बहुत सारे रिश्तेदार आपके और आपके पति के खूबसूरत रिश्ते के बीच। हाँ, मैं ऐसा शब्द क्यों बोल रही हूँ, कभी माँ सवार हो रही है इस रिश्ते पर, कभी बहन, कभी भाभी भारी पड़ रही है, तो कभी आपका मायका। मतलब जिस पवित्र रिश्ते के बीच किसी को नहीं आना चाहिए, कोई ना आए पति और पत्नी के बीच। झगड़े हो आप दोनों के बीच तो हो, फिर सुलह हो जाए, परंतु जब पति और पत्नी के बीच तीसरा आना प्रारंभ कर देता है, उसके बाद जगह बन जाती है आप दोनों के बीच। उसके बाद रिश्तेदारों के फोन कॉल्स और एक से बढ़कर एक रिश्तेदार उस जगह में समा जाते हैं और यूं ही पति और पत्नी अलग हो जाते हैं। तो यदि आपका भी रिश्ता शिकार हो रहा है इसी तरह की गलत फहमियों का, कभी आपकी सास भड़का रही है तो कभी शादीशुदा ननद ससुराल से आकर आप दोनों का रिश्ता खराब कर रही है, कभी आपकी खुद की ही बहन की वजह से आपका पति धीरे धीरे आपसे दूर हो रहा है और उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, तो कभी आपके मायके वाले के बिहेवियर की वजह से आपका पति दुखी होकर आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। इतना आप शब्द बोल रहा है आपका पति कि आपसे प्रारंभ करके आपके भाई आपके पिता तक को गालियां देता है, अपने मित्रों की बात में आकर आप पर शक करता है, ये रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है, बात बात पर कहता है कि गलती से मैंने तुमसे विवाह कर लिया, तुम आज चली जाओ मैं कल नया विवाह कर लूंगा, तुम मुझे छोड़ दो इस रिश्ते में, अब मुझे नहीं रहना है, जब बात बात पर इस रिश्ते को तोड़ने की और आपको छोड़ने की बात कर रहा हो आपका पति। तब आज का प्रयोग आपके लिए, आज बताने जा रही हूँ सावन के किसी भी दिन। जी हाँ मित्रों, जी हाँ मेरी बहनों, चल रहा है सावन का अद्भुत महीना। सावन में पति वशीकरण एक ऐसा प्रयोग बताने जा रही हूँ, अभी करो अभी परिणाम मिलेगा, आज करो आज परिणाम मिलेगा। एक ऐसा अद्भुत वशीकरण जो कभी भी निरर्थक गया ही नहीं है। सावन के इस खूबसूरत महीने में किसी भी दिन करो यह प्रयोग, इसी सावन तुम्हारा पति हमेशा के लिए तुम्हारे पास लौट कर आएगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुमसे छूटकर कहीं जा ही नहीं पाएगा। तो जब बंधने खराब हो रही है, बंधन खुलने वाला है, तो चलो बांधते हैं इस सावन अपने पति को, अपने प्यार के वश में करते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यदि घर बिखर रहा है आपका, मामला कोर्ट कचहरी में जा रहा है, वो तलाक की बात कर रहा है, वो तलाक के पेपर बनवा लिया है, बार बार आप पर प्रेशर पड़ रहा है, आपके परिवार का भी, छोड़ दो उसको, हम लोग है ना तुम्हें संभाल लेंगे, परंतु आपका मन जानता है कि मैं अपने पति से अलग नहीं रह सकती, तब करना सावन के इस अद्भुत माह में ये एक अद्भुत प्रयोग। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, आपका पति को आपके प्रेम में बांध देगा, ऐसा ऐसा गुलाम बन जाएगा आपका पति कि आप समझ नहीं पाएंगे कि अचानक से मेरा जादू कैसे चल गया, ये माँ है जादू वाला है। ध्यान से सुनिए कैसे करना है, क्या करना है आपको इस चमत्कारिक परिणाम को देखने के लिए। आपको एक पात्र लेना है, एक ग्लास लेना है, एक स्टील की या शीशे की ग्लास ले लीजिए, परंतु ग्लास बिल्कुल कोरी हो, यानी कि इसमें कभी भी जुबान लगाकर किसी ने भी कुछ पिया खाया ना हो, बिल्कुल नया ग्लास चाहिए। ये शीशे का भी हो सकता है, स्टील का हो सकता है, ये लोटनी भी हो सकती है। इस पात्र को आधा आपको भरना है अपने घर के जल से, आपके घर में कुआं है, नल है, आरओ है, जो है, आप अपने घर के जल से आधा इसे भर दीजिए और आधा कच्चे दूध से भरना है। इस जल के साथ आपको एक तस्वीर चाहिए, अपने पति की एक तस्वीर चाहिए, इस तरह की एक पासपोर्ट साइज की फोटो आप ले ले, अपने पति की एक तस्वीर ले ले, तस्वीर 3 साल से पुरानी ना हो, वरना फिर इससे रश्मियां नहीं निकल पाती है, ये उतना प्रयोग में काम नहीं करता है। साइड फेस की तस्वीर ना हो, चश्मा लगाया हुआ तस्वीर ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, आंखें साफ दिखाई दे रही हो, मुस्कुराता हुआ एक अच्छा सा तस्वीर आप ले लीजिए अपने पति की। मोबाइल में कोई फोटो हो तो इससे भी निकलवा सकती हैं। 5-10 मिनट लगेंगे, थोड़ा मेहनत लगेगा, परंतु ये रिश्ता सवर जाएगा हमेशा हमेशा के लिए।
आपको इस तस्वीर को अपने घर में चिमटे से पकड़कर आग में जला लीजिए, कंप्लीट जला लीजिए, और इसको कंप्लीट इसकी राख को इसी दूध और जल में मिला दीजिए। ये तैयार हो गया तंत्र क्रिया के लिए सामग्री, परंतु इसे अभिमंत्रित यहाँ नहीं करना है। सावन के इस माह में आपको इसको अभिमंत्रित करने के लिए किसी भी शिव मंदिर जाना है, जरूरी नहीं शिवलिंग के पास बैठना है। कुछ मंदिर छोटे होते हैं, आपको वहां जगह नहीं मिलेगी, भीड़ बहुत होगा। आपको मंदिर प्रांग के आगे अपने इस आंगन में कहीं पर भी कोने में, इस प्रांगण में कहीं पर भी आप किसी भी कोने पर मंदिर में बैठ जाए, आप जहां पर भी बैठेंगे आपकी रश्मियां वहां कार्य करेगी। इसके साथ इस पात्र को अपने सामने रख दें, यानी दूध और जल से भरा जो पात्र है उसको अपने सामने रख दें, जिसमें आपने राख मिलाई है उसके ऊपर अपना दाहिना हाथ, उसके ऊपर अपना बायां हाथ रख दें। भगवान शिव को प्रथम नमन कर ले, अपनी समस्या बोल दे और कहें कि मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आई हूँ या आया हूँ आज, वह सार्थक होकर ही जाना चाहिए, ये निरर्थक ना जाए, मेरे कार्य को सिद्ध कीजिए, भगवान शिव को नमन कीजिए। अब जो मंत्र मैं बोल रही हूँ स्क्रीन पर भी लिख दे रही हूँ, ताकि भूल कर भी गलती ना हो, इस मंत्र के साथ आपका उच्चारण बिल्कुल सही करें। आपको नाम नहीं लेना है इस मंत्र में। आपने पति की तस्वीर जला दी है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए तैयार हो रहा है, इस जल से किसी और को नहीं किया जा सकता है वशीकरण। आंखें बंद करके दोनों हाथ उस कर पात्र पर रख कर आप इस मंत्र का जप करें। आपको कहना है ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व वस्यम ओम। दो बार ओम बोलना है, प्रथम भी ओम, लास्ट में भी ओम। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर मैंने मंत्र लिखा है, ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व वस्यम ओम। इस मंत्र को 21 मिनट तक बोलना है, 21 मिनट तक। आप मोबाइल में टाइम लगा ले और 21 मिनट तक धीरे 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 इस मंत्र को बोल बोल कर इस दूध और जल को अभिमंत्रित कर ले, नमन कर ले, प्रणाम कर ले, माथा टेक ले और इस जल को लेकर घर आ जाए। अब ध्यान से सुनिए, पति जो चाय पी रहा है, जो दूध पी रहा है, जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है या पानी पी रहा है, किसी भी चीज में एक छींटा एक बूंद भी इस जल का, दूध का मिला जल का जरूर जाए। पति जब भोजन करने बैठे तो या उसकी दाल में या उसकी सब्जी में कहीं पर भी इसका थोड़ा सा जल उसमें मिला दीजिए। पति जब स्नान करने जाए तो उसकी भरी जो बाल्टी है उसमें एक चम्मच जल भी जरूर मिले। यानी प्रथम सुबह स्नान से लेकर उसके खाने पीने तक, और यदि जो तेल वो बाल में लगाते हैं उस तेल में हल्का सा भी इस जल को मिलाकर उसके बाल में डाल दिया जाए, अर्थात उसे संपूर्ण अंदर से बाहर तक इस जल से टच में देना है। इस जल को आप फूल पौधे में डाल दें, वैसे भी इस जल को कोई भी छू ले, कोई भी पैर रख दे या गलती से पी ले तो भी उस पर कोई असर नहीं होने वाला है, परंतु आपके पति पर वो असर होगा कि चमत्कार देखेंगे आप अपने जीवन में। इस सावन चलिए रिश्ते को सुधारते हैं, सावन के किसी भी दिन किया गया यह प्रयोग, हैरान रह जाएंगे, आपका पति आपके प्रेम में पागल हो जाएगा, वो हर बात मानेगा आपकी, रहेगा पूर्ण रूप से आपके वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।